गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप लोग सब बिल्कुल अच्छे हैं और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इजी एंड इफ़ेक्टिव 6 DIY होम रेमेडीज़, जिसको आप यूज़ करके अपने पिंपल्स को तुरंत ठीक कर सकते हैं विद इन 2 डेज। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए और बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रेमेडी के लिए आपको चाहिए होगा हनी, यानी कि शहद। सबसे पहले चेहरे को अच्छी तरह से धोकर पिंपल्स पर शहद लगाकर 2 मिनट तक मसाज करें, इससे भी पिंपल्स ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा ग्रीन टी पीने से कील मुहासे से राहत मिलती है। खाने में नींबू का इस्तेमाल करें। आप चाहे तो पानी में नींबू निचोड़कर पी सकते हैं और सलाद में भी नींबू निचोड़कर खा सकते हैं। सेकेंड रेमेडी के लिए आपको चाहिए होगा एलोवेरा जेल। जैसे कि आप सबको पता है, स्किन की देखभाल के लिए एलोवेरा जेल सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला चीज़ है। ये ना केवल त्वचा को कोमल बनाता है बल्कि मुहासे पर भी काम करता है। मुहासे पर ताज़ा एलोवेरा जेल लगाने से ये रात भर में पिंपल्स को ठीक कर देते हैं। तो आप जब भी एलोवेरा जेल इस्तेमाल करते हैं, तब आप एलोवेरा को अच्छे से क्लीन करें एंड देन यू हैव टू अप्लाई। थर्ड रेमेडी के लिए आपको चाहिए होगा टी ट्री ऑयल। 1 चम्मच हल्दी में 5 से 8 बूंद टी ट्री ऑयल को डालें और अच्छे से मिलाएं और इसे पिंपल्स पर लगाएं और 20 मिनट के लिए ऐसे ही लगे रहने दें। और उसके बाद गुनगुने पानी से अपने चेहरे को धो लें। उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें अपने फेस पर। टी ट्री ऑयल में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो पिम्पल्स को, मुहासे को ठीक करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट रेमेडी के लिए आपको चाहिए होगा आइस, यानी कि बर्फ। बर्फ मुहासे पिंपल्स को छोटा करने में मदद करता है। एक साफ कपड़े में आइस को लपेटकर इसे पिंपल के चारों ओर घुमा घुमा कर लगाएं। इससे पिंपल का दर्द और सूजन कम होता है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप इस रेमेडी को अच्छे से करें एंड जब भी आप इस रेमेडी को करते हैं, तब आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन करें एंड देन आपको इस रेमेडी को फॉलो करना है। नेक्स्ट रेमेडी के लिए आपको चाहिए होगा एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर में कार्बोनिक एसिड होता है और ये बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है। ये ना केवल एक्ने का इलाज करेगा बल्कि सूजन को भी कम करने में मदद करेगा। आपको कॉटन की हेल्प से अप्लाई करना है। 1 चम्मच पानी में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मिला लें और कॉटन की हेल्प से पिम्पल पर अप्लाई करें और 20 मिनट के बाद आप ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश कर सकते हैं।